मुजफ्फरपुर व इसके आसपास के जिलों समेत बंगाल और उड़ीसा में एक दर्जन से अधिक बैंक लूट मामले में वांछित कुख्यात अपराधी बिट्टू ठाकुर उर्फ अभिषेक ठाकुर को मुजफ्फरपुर जिले की विशेष टीम ने बंगाल से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अंतर्राज्यीय लुटेरों का संगठित गिरोह संचालित करने और बैंक लूट की घटनाओं का मास्टरमाइंड कहा जाने वाला बिट्टू ठाकुर उर्फ अभिषेक ठाकुर कांटी के अरारा निवासी गोलू ठाकुर के लिए काम करता था, पर गिरोह में फूट पड़ने की वजह से बिट्टू ठाकुर ने अपना एक अलग गिरोह खड़ा कर लिया था और गोलू ठाकुर के कई शागिर्दों को अपने गिरोह में लिया था। पुलिस टीम ने कुशी हरपुर रमणी निवासी बिट्टू ठाकुर के साथ ही गोलू ठाकुर का खास शागिर्द रहा झुनझुन ठाकुर उर्फ जितेंद्र ठाकुर और पानापुर ओपी क्षेत्र निवासी रजनीश कुमार और सदर थाना क्षेत्र के पताही निवासी राजा उर्फ गौरव आनंद को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान इनके पास से 7.65 बोर के 3 पिस्टल और 6 राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े कुख्यात अपराधी ने अपने स्वीकार के उपरांत बयान में मुजफ्फरपुर समेत मोतीपुर कांटी के अलावा उड़ीसा और बंगाल में भी कई बैंक लूट कांडों को अंजाम देने में अपनी भूमिका स्वीकारते हुए अपने कई अन्य साथियों के नाम ठिकाने पुलिस को बताए हैं, जिनके आधार पर पुलिस टीम छापेमारी में जुटी है। एसएसपी ने बताया कि बिट्टू ठाकुर ने वर्चस्व की लड़ाई में 1 जनवरी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कुख्यात अपराधी और शराब माफिया मिथिलेश सिंह और गोलू ठाकुर की कोर्ट में पेशी के दौरान हत्या करने में भी योजना बनाई है। वरीय पुलिस अधीक्षक जयंत कांत के दिशा निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर नीरज कुमार सिंह नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने कांटी सदर और मोतीपुर थानाध्यक्ष के साथ ही सर्विलांस डीआईयू और एसटीएफ की टीम शामिल थी। देश भर के लगभग आधा दर्जन बैंकों में बैंक डकैती कर चुके और 40 से ज्यादा बड़ा बैंक डकैतों का ग्रुप बना चुके कुख्यात अपराधी बिट्टू ठाकुर, झुनझुन ठाकुर और रजनीश, जिसे मुजफ्फरपुर पुलिस ने पिछले 24 घंटे में लगातार कई दिनों की कार्रवाई के पश्चात में सिटी एसपी मुजफ्फरपुर श्री नीरज कुमार और उनकी टीम के सहयोग के द्वारा गिरफ्तार किया है और इसने 1 दर्जन से अधिक बैंक डकैतियों एवं हत्या की साजिशों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस प्रकार अपराध को रोकने में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने कुल बैंक डकैतियों में, जिसमें इसने 90 लाख से ज्यादा रुपए डकैती में लूट और डकैती में प्राप्त किए, उसके बारे में पुलिस को अहम सुराग मिला है। इस प्रकार पुलिस को एक बड़े बैंक डकैती ग्रुप को का खुलासा करने में सफलता मिली। इसने अपराध के दौरान जो हथियार है वो 4 हथियार बरामद किए गए हैं और उसके अलावा गोलियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा इसका जो 1 दर्जन से अधिक जो लूट की घटनाओं एवं बैंक डकैतियों की घटनाओं में जो ये शामिल रहा है, उसमें इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। सर, ये लोग अपने पैसे का उपयोग कहाँ करते थे? पिछले 1 साल से पुलिस को इसमें मुजफ्फरपुर में हुई फिनो बैंक डकैती, बैंक ऑफ इंडिया SBI बैंक में डकैती, इसके अलावा कुरियर कंपनी के साथ में हुई डकैतियों में इसकी तलाश थी पुलिस को और ये अपराध करने के बाद में ये जगह छोड़ करके कलकत्ता में, दिल्ली में और देश के अन्य इलाकों में चले जाते थे। पुलिस की टीम ने सिटी एसपी मुजफ्फरपुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई, टीम के ने कई जगहों पर लगातार इसके ऊपर छापेमारी की, जिसके पश्चात में इसे सफलता मिली। इस तरह की सूचना है कि दूसरे ग्रुप के द्वारा अगर कोई बैंक डकैती किया गया उससे भी जो है कि ये लेडी के रूप में पैसा मांगते थे, ऐसी सूचना है, उसमें हम लोग कार्रवाई कर भी रहे हैं। जहाँ तक इनका आपका कहना है कि भूमाफियाओं से इनके संपर्क में, भूमाफियाओं के संपर्क अभी तक के अनुसंधान में नहीं आया है। अभी सीनियर सर ने जैसे बताया कि ये ग्रुप जो है काफी टेक्निकली साउंड ग्रुप था और ये अपने जो है कि अन्य सदस्यों को भी टेक्निकली साउंड करते थे। पहले बैंक का रेकी करते थे और वहां से वीडियोग्राफी उसका बनाते थे और उस वीडियोग्राफी को अपने ग्रुप के हर सदस्यों के पास व्हाट्सएप के जरिए भेजते थे और उसके हिसाब से ये प्लानिंग करते थे कि कैसे ये जाएंगे। गाड़ी मुहैया कराने से लेके हथियार मुहैया कराने से सारा राजा इनके सहयोगी थे। इनकी गिरफ्तारी किया गया है जो सदर थाने से जेल जा रहे हैं। पर किन थाना क्षेत्रों से इनकी गिरफ्तारी हुई है? ये 3 जो हमारे हैं, बिट्टू, झुनझुन, रजनीश, इनकी गिरफ्तारी जो है कि पश्चिम बंगाल से इनकी गिरफ्तारी हुई है और राजा की गिरफ्तारी बिहार से हुई। थैंक यू। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।